महाराष्ट्र के साथ पूरे देश को हिला देने वाले कोपड़ी गैंगरेप केस में आज सजा का ऐलान किया जाएगा। 15 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या के दोषियों पर विशेष अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। इस केस के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अहमदनगर के जिले कोपड़ी गांव में 13 जुलाई को 15 साल की छात्रा का शव मिला था। दोषियों ने गैंगरेप के बाद शव को शत विशत कर दिया था। इस निर्मम हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भैलूमे को गिरफ्तार किया था। अहमदनगर पुलिस ने वारदात में 350 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें तीनों पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और 376 यानी दुष्कर्म और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस चलाया गया। शनिवार को इस केस के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। कॉलेज स्टूडेंट है, ये बीएससी के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है और कोर्ट ने उसको पढ़ाई के लिए बुक भी दिया है। वो जेल में अपना पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो ये जो केस जो है, ये केस में उसका जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है। 13 जुलाई 2016 को हुई इस घटना के बाद पूरे सूबे में मराठा समाज आंदोलित हो उठा था। इस दुष्कर्म कांड के बाद इस मुद्दे के साथ मराठा आरक्षण का मुद्दा जोड़कर मराठा समाज ने विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत का गठन कर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। 15 साल की पीड़िता के न्याय के लिए सड़कों पर उतरे मराठा समाज के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की निगाहें अहमदनगर के विशेष अदालत पर होंगी। पीड़िता के माता पिता कह चुके हैं कि आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।